रीट की तैयारी करने वाले राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को एचआर सर का नमस्कार। एचआर सर गशीपुरा यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वेलकम करता है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रयासरत हूं कि 6 से 12 तक का नॉलेज आप लोगों को उपलब्ध करवा सकूं, वही नॉलेज जो आपकी बुक्स में है, वो नॉलेज नहीं जो आपकी गाइड्स में है। ठीक है, बुक्स में क्या है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मेरे से पढ़ें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे से पढ़ोगे तो आप उन बातों को सुनोगे और कुछ टिप्स भी याद करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का जो लेसन है कक्षा 6 का की बुक जो है वो खत्म होने में है, और 22वां लेसन है, और 22वां लेसन जो है वह विभिन्न कालों में महाजनपद काल देख लो, गुप्त काल देख लो, मौर्य साम्राज्य देख लो जो है, और इनमें मूर्तिकला या स्थापत्य कला और जिसको कहते हैं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये किताब आप लोगों को बताती है। तो हर एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, लेकिन रीट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लेसन नंबर 22 जो होता है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है देखते हैं। बोर्ड पे नंबर फर्स्ट पे जो प्रश्न दे रखा है वो चैत्य और विहार के बारे में देख रखा है। तो चैत्य और विहार जो होते हैं, चैत्य और विहार सबको पता है, ये पहली बात तो संभावना ये है कि कौन से धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य और विहार दोनों क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और चैत्य और विहार दोनों का ही निर्माण पहाड़ों को काटकर गुफा बनाकर उनके द्वारा किया गया है। ये पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई है, लेकिन इन गुफाओं का उपयोग दो प्रकार से किया गया है। एक गुफाएं जो होती हैं उनमें क्या है, चैत्य बनाए गए हैं। चैत्य का मतलब होता है उनके जो बुद्ध के या बुद्ध को मानने वाले जो इनके संत महात्मा है उनके जो अस्थियां हैं उनको रखकर, ठीक है, उनको रखा गया है और उनके पाषाण स्तंभ उनके ऊपर बनाए गए हैं, और एक तरह से जो चैत्य हैं उनको पूजा स्थलों के रूप में काम में लिया गया है। ऐसी गुफाएं हैं जिनमें चैत्य बनाए गए, मतलब वो क्या बनाए गए, पूजा स्थल बनाए गए, ठोस पाषाण स्तूप वहां पर बनाए गए हैं, तो इनको कहते हैं अपन चैत्य स्थल, और एक तरह से चैत्य जो होते हैं वो पूजा स्थल है। फिर विहार जो है वो आवास रहने के लिए बनाई गई गुफाएं हैं। बौद्ध भिक्षु जो थे उनको रहने के लिए जो गुफाएं बनाई गई हैं वहां वो विचार विमर्श करते थे, वहां ज्ञान वगैरह आपस में आदान प्रदान करते थे, ठीक है, तो वहां कुछ पढ़ाई का काम भी होता था। तो वह जो स्थान था वह कहां पर होता था, विहार जो गुफाएं हैं वो जिनमें ये काम होता था उनको विहार नाम दिया गया है। विहार, ठीक है, चैत्य और विहार दो चीजें हो गई, चैत्य पूजा स्थल और विहार जो है वो बौद्ध भिक्षु जो है उनको रहने का स्थान मुख्यतः उसमें ये काम में लेते थे। नेक्स्ट पर्सन जो है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है, तो दैट इज जातक कथाएं जो होती हैं, बुद्ध के महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो कहलाती हैं जातक कथाएं। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ये 6th क्लास का है, लेकिन नॉलेज 6th क्लास का है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण नॉलेज है रीट के अभ्यर्थियों के लिए, तो एक करियर मेकिंग शब्द इनमें दे रखे हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं के बारे में बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अजंता की जो गुफाएं हैं स्थापत्य शिल्प और चित्रकला का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, और अजंता की जो गुफाएं हैं वो बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। प्रश्न पूछ ले अजंता की गुफाएं किस नदी की घाटी में है, तो बाघोरा नदी की घाटी में है, और बाघोरा नदी की घाटी में जो पहाड़ी है उसको काट कर जो गुफा बनाई गई है उसको अजंता की गुफाएं कहते हैं। पढ़ा ना, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और बाघोरा नदी, कौन सी नदी, बाघोरा नदी को की घाटी में है, और इसका निर्माण कब किया गया अजंता की गुफाओं का, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में। कौन सी सदी में, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में इनका निर्माण किया गया। अजंता की जो गुफाएं हैं वो उनका निर्माण कब किया गया, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व, ध्यान रखना अजंता दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। अब अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में से 5 गुफाएं जो होती हैं वो चैत्य के रूप में काम में ली जाती थी। चैत्य का मतलब पूजा स्थल थी,
पांच गुफाओं में पूजा स्थल था बौद्ध धर्म का, और 24 गुफाएं जो होती हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के रूप में काम में ली जाती थी, यानी कि 24 गुफाएं जो होती वो विहार थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, 490 ईस्वी के बाद इनको त्याग दिया गया, अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया, कब? 490 ईस्वी में। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब किया गया था? दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में, अकॉर्डिंग टू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बुक 6 क्लास, कौन सी क्लास की है? 6 क्लास की सोशल स्टडी की जो बुक है उसके अनुसार 490 ईस्वी के बाद इनको त्याग दिया गया बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, और यहां से वो चले गए कहां पर? एलोरा में प्रतिस्थापित हो गए। एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर ये प्रतिस्थापित हो गए, और इनका जो स्थानीय नाम है एलोरा का वह है वेलूर, वेलूर में ये चले गए। क्यों? ये एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। फिर नेक्स्ट, अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें चित्र बनाने की जो विधि है उसका क्या नाम था? तो उसमें अजंता की गुफाएं जो है उनमें चित्र बनाने की विधि का नाम है फ्रेस्को विधि। कौन सी विधि है? फ्रेस्को विधि के द्वारा वहां पर वो चित्र बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप कब प्रारंभ होता है? तो मौर्य काल से भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप प्रारंभ होता है। कौन से काल से? मौर्य काल से। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य काल की महत्वपूर्ण मूर्तियों का नाम, प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तियां मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो मौर्य काल या फिर निम्न मूर्ति का नाम दे देंगे, किस काल में बनाएंगे, किस काल से संबंधित है, तो बढ़िया प्रश्न बनता है। तो 6 क्लास की बुक क्या करे आप लोगों को कि महत्वपूर्ण मूर्तियां कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट में देखिए, ये चंवर धारिणी स्त्री की मूर्ति, चंवर धारिणी कलश ऊपर सिर पे मटका धारिणी, चंवर धारिणी स्त्री की मूर्ति कहां पर है? दीदारगंज पाटलिपुत्र में। किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, चंवर मौर्य, चंवर धारिणी स्त्री की मूर्ति मौर्य काल से संबंधित है, पाटलिपुत्र दीदारगंज है ना, चंवर धारिणी स्त्री का दीदार कर लो, ये ध्यान भी रख लो, ये दीदार कर लो, चंवर याद करना है, चंवर धारिणी स्त्री का दीदार कर लो। इसका मतलब क्या है? चंवर धारिणी स्त्री जो है वो दीदारगंज पाटलिपुत्र में है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्ष की मूर्ति है पटना और परखम से, और मानव धड़ की मूर्ति जो है कहां पर है? लोहानुपुर, लोहानुपुर। ये सभी जो मूर्तियां हैं किससे संबंधित है? मौर्यकालीन मूर्तियां हैं। चंवर धारिणी की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति और मानव धड़ की मूर्ति जो है वह किससे, किस काल से संबंधित है? मौर्यकालीन। मानव धड़ लोहानुपुर, लोहानुपुर है ना, यक्ष पटना व परखम में यहां मूर्ति बरामद हुई है। किससे संबंधित है? स्थित है मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, चंवर धारिणी की स्त्री किस काल से संबंधित है? पहले है कहां? तो चंवर धारिणी स्त्री का दीदार कर लो, दीदारगंज से संबंधित है। फिर यक्ष पटना या परखम से, फिर नेक्स्ट मानवधड़ लोहानुपुर, मानवधड़ की मूर्ति लोहानुपुर में स्थित है। तीनों मूर्तियां किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट, कुषाण काल का बहुत बढ़िया प्रश्न इसमें है, पर्सन जो लिख रखा है इसमें वही पर्सन बनकर के आता है। क्या लिख रखा है? कि सर्वप्रथम बुद्ध की के मानव रूप में मूर्तियां किस काल में बने? बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति बनाने किस काल में बनी? बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति किस काल में बनी? बढ़िया प्रश्न, 6 क्लास का एकदम इजी, किस काल में बनी? कुषाण काल में। किस काल में बनी? कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी, याद रखना। फिर कुषाण काल में मूर्तिकला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? गांधार व मथुरा। ठीक है, गांधार काल में मूर्ति, सॉरी कुषाण काल में मूर्तिकला के दो प्रमुख स्थल कौन से, प्रमुख केंद्र कौन से थे? गांधार व मथुरा दो प्रमुख केंद्र थे मूर्तिकला के। किस काल में? कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में देखो, अब शिव के दो रूप, एक तो मानव रूप और दूसरा लिंग रूप, इनकी मूर्ति सर्वप्रथम कब बनी? तो आप बताएंगे कुषाण काल में। कुषाण काल में शिव के दो रूपों की, एक तो मानव रूप और लिंग रूप, दोनों की मूर्तियां बनी थी कुषाण काल में, है ना। शिव जो होते हैं वो मुषाण में जाते हैं, है ना, जिसको कहते हैं शमशान घाट में शिव जी घूमते हैं, ये ऐसा मानते हैं, भजनों में भी आता है। तो कुषाण या मुषाण याद रखें, शिव की दोनों मूर्तियां, एक तो मानव रूप की और एक लिंग रूप की, दोनों मूर्तियां जो बनी कहां पर बनी? कुषाण का, कौन से काल में बनी? कुषाण काल में बनी। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण बलराम की मूर्ति कुषाण काल में,
कार्तिक की मूर्ति कुषाण काल में, इंद्र की मूर्ति कुषाण काल में, सूर्य की मूर्ति कुषाण काल में, और लक्ष्मी सरस्वती आदि की जो मूर्तियां बनाई गई वो भी किसमें, कुषाण काल में। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी कुषाण काल में बनाई गई। तो इस प्रकार गांधार ये कुषाण काल से संबंधित मुख्य मूर्तियां थी। और आप ध्यान में रखें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कि सर्वप्रथम बुद्ध के मानव रूप की मूर्तियां कब बनाई गई, तो आप बताएंगे कुषाण काल में बनाई गई। फिर नेक्स्ट है शिव के दो रूप कौन कौन से, मानव लिंग रूप जो है वो कब, कुषाण काल में। तो खूब सारे बढ़िया प्रश्न कुषाण काल से बनते हैं। फिर गांधार मूर्तिकला के जो शिल्पकार थे कौन थे, गांधार में जो मूर्तिकला थे उनके शिल्पकार यानी ये मूर्तियां बनाने वाले, मतलब मूर्तियां आधारित तो थी हिंदू धर्म के आधार पर या भारत के आधार पर, लेकिन उसके शिल्पकार अलग थे। शिल्पकार कौन थे, यूनानी। शिल्पकार कौन थे, यूनानी थे। शिल्पकार कौन थे, यूनानी। नेक्स्ट गुप्त काल में कौन कौन सी मूर्तियां बनाई गई, देखो शेषनाग की मूर्ति, शेषनाग अगर दिख जाता है तो गुप्त हो जाते हैं सब, गुप्त काल। शेषनाग गुप्त रहता है गुप्त काल में, तो शेषनाग की जो मूर्ति है वह गुप्त काल में बनी। फिर शैया पर विश्राम करते विष्णु, विष्णु शैया पर विश्राम करते विष्णु, और विष्णु के ऊपर ही तो शेषनाग है, इसका मतलब क्या हो गया, शैया पर विश्राम करते विष्णु की मूर्ति भी गुप्त काल से संबंधित है। और शैया पर विश्राम करते विष्णु की मूर्ति किस मंदिर में लगाई गई है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो है उसमें, जो कि पट झांसी में स्थित है। फिर शिव पार्वती की मूर्ति किस काल में, गुप्त काल में बनाई गई। शिव पार्वती की मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्ति त्रिमूर्ति, यह भी गुप्त काल की प्रसिद्ध मूर्तियां है। फिर एक और बहुत बढ़िया जो प्रश्न है, सारनाथ स्थित, सारनाथ में है ना जो बोध का धर्म चक्र परिवर्तन, जब बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया उसको अपन क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। की मुद्रा में पद्मासन में बुद्ध की प्रतिमा जो है वो है सारनाथ में स्थित है। धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की पद्मासन की मुद्रा में जो मूर्ति है वह सारनाथ में स्थित है, और वह कब बनी थी, गुप्त काल में बनी थी। कब बनी थी, गुप्त काल में बनी थी। इस प्रकार गुप्त काल को भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। किस काल को भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, गुप्त काल। कौन सा आंसर होगा, गुप्त काल। ध्यान में रखें बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति बनी कुषाण काल, किसमें, कुषाण काल में, और धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति बनी गुप्त काल में, किसमें बनी, गुप्त काल में। तो ये कुछ मूर्तियों से संबंधित प्रश्न थे किसके, लेसन नंबर 22 में से। आगे की जो है उसमें है साहित्य महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में इस लेसन में दे रखा है, तो चर्चा करते हैं इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथों की। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, किसके द्वारा लिखे गए थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेसन जो 22 है इसे साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बढ़ता है, कौन कौन से दिए गए हैं सिक्स क्लास की बुक में, उनके बारे में भी थोड़ी सी अपन एक नजर देख लेते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को अगर अवॉइड करेंगे तो ये एग्जाम्स में हो सकता है पूछ ले, और अपन ऐसी गलती नहीं करने वाला है। प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के तक पहुंचाने का प्रोमिस किया हुआ है। तो देखते हैं क्या साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिंपल से प्रश्न है वैसे, लेकिन फिर भी अपने को देखना जरूरी है। देखो महाभारत के रचयिता वेदव्यास, फिर रामायण के वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत किस परिवार से संबंधित है या किस महाजनपद से संबंधित है, तो आप लिखेंगे कुरु परिवार के युद्ध का वर्णन महाभारत में किया गया है, इसका मतलब कुरु महाजनपद से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण के मदुरई शहर में तमिल भाषा का साहित्य क्या कहलाता है, संगम साहित्य। या प्रश्न क्या बन सकता है, संगम साहित्य जो है वह किस भाषा का है, तो आप बताएंगे तमिल भाषा का है। ठीक है, गुप्त काल के जो प्रसिद्ध है नाटक, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया, और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, भरत। नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत, और अभिज्ञान शाकुंतलम सब जानते हो आप, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहते हैं विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक लिखा। इसके अलावा जो सारणी दी गई है इस लेसन में, कुछ साहित्य दिए गए हैं, उनके लेखक दिए गए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि पंचतंत्र की रचना किसने की, तो विष्णु शर्मा। बेसिक बुक्स है, पहले बेसिक जीके अपन क्लियर करें फिर आगे बढ़े। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र। शूद्रक, शूद्रक ने क्या लिखा, मृच्छकटिकम। इंपोर्टेंट पर्सन है मृच्छकटिकम, कई बार पूछ लेते हैं मृच्छकटिकम शूद्रक।
रचयिता कौन है, लेखक कौन है, क्षुद्रक मृच्छकटिकम के अमरकोश किसने लिखा, आपको पता है सबको, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। फिर रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका किसने लिखी, सम्राट हर्ष ने लिखी रत्नावली, हर्ष ने, रत्नावली हर्ष ने, नागानंद हर्ष ने और प्रियदर्शिका हर्ष ने। प्रियदर्शिका की रचयिता किसने की है, की रचना किसने की, हर्ष ने। प्रियदर्शिका हर्ष चरित बाणभट्ट, कादंबरी बाणभट्ट ये आता है प्रश्न, हर्षचरित भी बाणभट्ट ने लिखा, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इलांग्रे आदिगल, इलांग्रे आदिगल का जो ग्रंथ है, जो जिसने लिखा शिल्पादिक्रम, 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 शिल्पादिक्रम किसने लिखा, इलांग्रे आदिगल, इलांग्रे आदिगल शिल्पादिक्रम, इलांग्रे आदिगल शिल्पादिक्रम, इलांग्रे शिल्पा, इलांग्रे शिल्पा, इलांग्रे शिल्पा याद रखेंगे। और शीतले सतनार, ठीक है, मणि मेखलाई, ये भी तमिल भाषा के है, मणि मेखलाई, शीतले सतनार मणि मेखलाई, शीतले सतलार मणि मेखलाई, शीतले सतलार मणि मेखलाई याद रखेंगे, शीतले सतलार मणि मेखलाई द्वारा इनको उच्चारण कर लेंगे। तमिल साहित्य जो है इनके नाम, इलांग्रे आदिगल शिल्पादिक्रम, इलांग्रे आदिगल ने कौन सा लिखा, शिल्पादिक्रम, इलांग्रे आदिगल, इलांग्रे शिल्पा याद रखें, इलांग्रे चीला करे शिल्पा या इलांग्रे शिल्पा, ठीक है। फिर शीतल सतनार मणि मेखलाई, शीतल सतनार मणि मेखलाई किसने लिखा, शीतल सतनार ने लिखा मणि मेखलाई। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वह दे रखे पल्लव द्वारा बने रथ मंदिर, मतलब रथ मंदिर का उल्लेख आएगा तो पल्लव वंश ने रथ मंदिर बनाए, पल्लव वंश, ठीक है, पल पल रथ में रहते हैं, ठीक है, पलपल रथ में रहते हैं, कक्षा छह का जीके कहते हैं पलपल, पल्लव वंश जो है वह रथ मंदिर का निर्माण इसने करवाया, और पल्लव वास्तुकला जो थी उसको कहते हैं द्रविड़ मंदिर वास्तुकला, पल्लव वंश पल्लवों की वास्तुकला कौन सी थी, द्रविड़ वास्तुकला थी, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते थे पल्लव वंश में। और कौन मुख्य मंदिर कौन कौन से रथ मंदिर, कैलाश नाथ मंदिर, सप्त पैगोड़ा, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, सप्त पैगोड़ा मामल्य शैली का है, मामल शैली का है सप्त पैगोड़ा, सप्त पैगोड़ा किस शैली का है, मामल शैली का, और पल्लव वंश द्वारा बनाया गया है सप्त पैगोड़ा, पल्लव वंश याद रखना, पंचरथ या पंच पांडव रथ जो है वह भी पल्लव वंश के, यानी कि रथ मंदिर का वह नाम आता है तो जनरली पल्लव वंश इसका राइट आंसर होता है, ये सिक्स क्लास की बुक कह रही है। और देखिए फिर फैक्ट बता रखे हैं कि चंपा में 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख मिले हैं, या अपने इसको क्या कहते हैं, इसमें चले गए अपन विदेशों से, भारत के जो संबंध है उनसे भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रभाव, तो ये कई पॉइंट जो बन रहे हैं यहाँ पर भी, कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पर्सन और हैं दे रखे हैं अतिरिक्त, तो चर्चा कर ही लेते हैं सभी की, कि चंपा में 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख मिले हैं, पर्सन बन सकता है इनमें से कि 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख मिले हैं, कहां से, तो चंपा से, ठीक है। फिर नेक्स्ट यशोवर्मन के कितने अभिलेख हैं, 4 अभिलेख, और उनमें क्रमशः छंदों की संख्या कितनी है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं अभिलेख, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो यशोवर्मन के 4 अभिलेख हैं, पहले अभिलेख में 50 छंद हैं, दूसरे अभिलेख में 75 छंद हैं, तीसरे अभिलेख में 93 छंद हैं, और चौथे अभिलेख में 108 छंद हैं, 50, 75, 93, 108 याद रखेंगे, 50, 75, 93 और 108 108 एम्बुलेंस लास्ट में है ना, 50, 75, 93, 108 छंद हैं किसमें, यशोवर्मन के 4 अभिलेखों में, पहले में 50, सेकंड में 75, थर्ड में 93 और फोर्थ में 108। अब राजेंद्र वर्मन का भी एक लेख मिला है, दो लेख हैं, दो अभिलेख है संस्कृत भाषा में, राजेंद्र वर्मन के भी दो अभिलेख मिले हैं, इसके एक अभिलेख में 218 छंद हैं और दूसरे अभिलेख में 268 छंद हैं, ठीक है, राजेंद्र वर्मन के प्रथम अभिलेख में 218 छंद और दूसरे अभिलेख में 268 छंदों का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ब्रह्मा एवं सिंगल श्रीलंका में बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आंसर क्या जाएगा, पाली भाषा में, ब्रह्मा व सिंगल में बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण महाभारत का जावी भाषा में गद्य रूपांतरण किया गया है, ठीक है, जावी भाषा में कौन से रूप में रूपांतरित किया गया महाभारत व रामायण को, गद्य भाग में उसको रूपांतरित किया गया है। नेक्स्ट
बोधि रुचि नामक विद्वान 693 ईस्वी में नालंदा से चीन गया। ठीक है, कौन सा विद्वान, मतलब प्रश्न क्या बनेगा कि 693 ईस्वी में नालंदा से चीन जाने वाले विद्वान का क्या नाम है, तो बोधि रुचि, क्योंकि डेट दे रखी है 693 ईस्वी में। ठीक है, सन दे रखे है ना, काल दे रखा है, ये पूछ ले, बढ़िया प्रश्न है। तो बोधि रुचि, ठीक है, नालंदा से कहां गया था, चीन गया था। फिर शांति रक्षित व पदम संभा, शांति रक्षित जो नेपाल से संबंधित है और पदम संभा उद्यान से संबंधित है, इन्होंने तिब्बत में लामा धर्म की स्थापना की। बढ़िया प्रश्न है, तिब्बत में लामा धर्म की स्थापना किसने की, तो शांति रक्षित व पदम संभा ने लामा धर्म की स्थापना की। जावा की बहुत लोकप्रिय मूर्ति का क्या नाम है, भट्टार गुरु। जावा की प्रसिद्ध लोकप्रिय मूर्ति का क्या नाम है, भट्टार गुरु। भट्टार गुरु है ना, एचआर गुरु नहीं, भट्टार गुरु। कौन सा गुरु, भट्टार गुरु। लावा की, जावा की बहुत ही लोकप्रिय मूर्ति का नाम है भट्टार गुरु, और इसको किसका प्रतीक माना जाता है, तो ऋषि अगस्त्य का इसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और देखो इसमें दो प्रश्न और, आयुर्वेद जो है किसने लिखा, चरक ने लिखा। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है, तो सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने तो लिखी है, लेकिन किससे संबंधित है, शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो ये लेसन नंबर 22 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस लेसन नंबर 22 को हम कंप्लीट करेंगे और 6 क्लास को कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए एचआर सर को इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए एचआर सर से, गुनगुनाते रहिए एचआर सर के साथ, और फाइट कीजिए रीट अब की बार। ठीक है, धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, वरना फिर कम से कम पढ़ते रहें। धन्यवाद।